नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय माँ तुलसी। दोस्तों तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र वनस्पति माना गया है। तुलसी का पौधा देवी वृंदा की आत्मा से प्रकट हुआ है और ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा है। इसी कारण इसका प्राचीन ग्रंथों में महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा अपने अंदर कई प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति रखता है, साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी समर्थ है। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है तो ये घर में आने वाली विपत्ति को रोकने के साथ ही सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। साथ ही अगर इस पौधे को सही दिशा में और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अपने आश्रम में तुलसी का पौधा लगाते आए हैं और राजा महाराजाओं के महल में भी तुलसी का पौधा उनके आंगन में लगाया जाता था। तुलसी के पौधे को रोज जल चढ़ाने की भी परंपरा चली आ रही है। वहीं कुछ शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। अतः जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता ही है। इसके साथ ही ये पौधा घर पर होने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। अगर आप रोज तुलसी के 5 पत्ते खाते हैं तो ये आपके कई प्रकार के रोग और बीमारियों से रक्षा करता है और आपकी आर्थिक उन्नति में सहायक बनता है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में लगाना सही होता है और कौन सी दिशा में लगाना अशुभ, इसे कब जल चढ़ाना चाहिए और कब नहीं, इसकी पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पौधे की मदद से आप घर की परेशानियों का कैसे निवारण कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, इन सभी के विषय में शास्त्रों में बताई गई महत्वपूर्ण बातें आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, इस दिन ना चढ़ाएं तुलसी को जल। शास्त्रों में कुछ ऐसे दिनों के बारे में बताया गया है जब तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक रविवार, एकादशी, सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के पश्चात तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने पर वास्तु दोष लगता है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालता है और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम को उसके नीचे घी का दीपक लगाता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है। दूसरी बात, तुलसी का पौधा सूखना। ध्यान रहे कि घर में तुलसी का सूखा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए अथवा तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। इसे नियमित रूप से जल चढ़ाकर इसे हरा भरा रखें। तुलसी का पौधा सूखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। ज्योतिष लोग मानते हैं कि तुलसी का पौधा बुध के कारण सूखता है, क्योंकि बुध ग्रह हरे रंग का प्रतीक होता है और पेड़ पौधे हरियाली का प्रतीक है। ये एक ऐसा ग्रह होता है जो दूसरे ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा सूखता नहीं है और वो आराम से बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से ही तुलसी के पौधे में फूल लगने लगते हैं। घर में तुलसी का पौधा होना किसी डॉक्टर के होने से कम नहीं है। साथ ही ये पौधा वास्तु दोष को भी दूर करने में सक्षम है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो कुएं में अथवा किसी पवित्र स्थान पर बहा देना चाहिए और नया पौधा लगाना चाहिए। तीसरी बात, इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। इसके अलावा आप ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। चौथी बात, इस दिशा में ना लगाएं तुलसी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा ये आपको फायदा देने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। पांचवी बात, भगवान विष्णु को चढ़ाइए तुलसी। विष्णु पूजा में सिरस, धतूरा, सेमल का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही जो लोग रोली का टीका लगाने के बाद चावल भी चढ़ाते हैं, उन लोगों को बता दे कि श्री विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बजाय विष्णु पूजा में आप तुलसी और आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। छठी बात, किचन में लगाएं तुलसी का पौधा। तुलसी को रसोई के पास भी रख सकते हैं, ऐसा करने से आपके घर में पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तुलसी के द्वारा वास्तु दोष से छुटकारा भी पाया जा सकता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इसे दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी खाली जगह में आप इसे लगा सकते हैं। अगर इन जगहों में खाली जगह ना हो तो गमले में इसे लगा दीजिए।
अगर बेटा जिद्दी है तो क्या उपाय आप करें? तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से अगर आपका बेटा जिद्दी हो तो उसका जिद करना बंद हो जाएगा। जल्दी शादी के लिए तुलसी का उपाय आप कर सकते हैं। लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है तो तुलसी को आग्नेय कोण में रखें और रोज उस लड़की को तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए तो उसकी जल्द ही शादी हो जाएगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भी तुलसी मददगार है। अगर आप बिजनेस अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं लेकिन आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो तुलसी को दक्षिण पश्चिम में रखें और हर शुक्रवार को सुबह कच्चा दूध अर्पण करें और मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी चीज का दान करें। तुलसी का पौधा हर मुसीबत का संकेत भी देता है। तुलसी का पौधा ऐसा है जो आपको मुसीबतों के बारे में पहले ही सतर्क करता है। इस बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पुराणों और ज्योतिषों का इसके बारे में अपना मत है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर पर कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी जी व तुलसी चली जाती है, क्योंकि दरिद्रता अशांति जहां भी होती है वहां लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता और ऐसे घर के तुलसी के पौधे जल्दी सूखने लगते हैं। याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बात का खास ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये गलती भी करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन केवल एकादशी या फिर कोई अन्य शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी को लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ाए रखनी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती और तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते, होती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति, माँ हो जाती है बहुत प्रसन्न। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीजें कभी भी ना रखें, तुलसी माँ हो जाती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।